हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा। दिस इज फिजिक्स सब्जेक्ट एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला भी मैंने इसके साथ में रखा है, क्योंकि कुछ ऐसे जो है मैथमेटिकल चीज़ें आ जाती हैं जो जैसे बायो स्टूडेंट हैं या मैथमेटिकल जो स्टूडेंट हैं उन्हें बाद में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो जो कैलकुलेशन मैथ यहाँ पे यूज होगा उसको भी मैंने सोचा कि शुरुआत में ही आपकी जो डिफ़िकल्टीज रहेगी बाद वाली उसको क्यों ना दूर कर दिया जाए। तो इस चैप्टर के साथ में, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड से आपके आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए जो है कुछ मैथमेटिकल भी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे डाली है, तो इन्हें आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड से। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, कुछ आपके यहाँ जो है इंडियन साइंटिस्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता है, राइट टू और थ्री इंडियन साइंटिस्ट नेम एंड डिस्कवरी विथ इट। तो यहाँ पे कुछ इंडियन साइंटिस्टों के हमने नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, और यहाँ दो ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन जो है आपके जो है इंडियन साइंटिस्ट लिखने के लिए आएंगे, तो आप बड़े ही आराम से उनको लिख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट है आपका, यहाँ देख रहे होंगे एम एन साहा, डेट इज़ द फर्स्ट। इन्होंने थर्मल आइनाइजेशन पे वर्क किया था। साइंटिस्ट तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ आपके एग्जाम में सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट ही पूछे जाते हैं। तो एम एन साहा ने थर्मल रेडिएशन पे वर्क, आइनाइजेशन सॉरी, पे वर्क किया था यहाँ पे। दूसरे हैं आपके एस एन बॉस, द सेकेंड साइंटिस्ट इज सॉरी जो है एस एन बॉस। एस एन बॉस ने क्वांटम स्टेटिक्स पे वर्क किया था। क्वांटम स्टेटिक्स ये रेडिएशन से रिलेटेड है आपका। तीसरा नेम है यहाँ पे होमो जहांगीर भाभा, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं ये। इन्होंने कहा था जब ये जीवित थे कि मैं भारत के चारों तरफ ऐसा लेयर बना दूंगा कि किसी भी देश से अगर आक्रमण होता है तो उसका या बॉम्ब या मिसाइल्स आती है तो वो ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएगी उस लेयर्स में आके, यानी कि अपने देश को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनका कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पे वर्क था इनका। चौथे साइंटिस्ट हैं यहाँ पे एस चंद्रशेखर, आप देख रहे होंगे चौथे साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन इंडिया ऑफ स्टार्स पे वर्क किया था। एवोल्यूशन इंडिया ऑफ स्टार्स चंद्रशेखर लिमिट के नाम से फेमस हुआ था वहाँ पे। और फिर आपके हैं जीसी बॉस, जीसी बॉस अल्ट्रा शॉर्ट रेडिएशन वेव्स पे इन्होंने वर्क किया था। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स आपने सुना ही होगा, ये जो है आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कुछ जो है प्रीफिक्स और उनके सिंबल्स के बारे में जानकारी। ये अक्सर जो है यूनिट कन्वर्जन, जब आपको न्यूमेरिकल वगैरह दिया जाएगा तो उसमें यूनिट के साथ में जैसे आपका कह दिया जाए वन टेरा, कई बार ऐसा आ जाता है वन टेरा, वन मेगा, वन फर्मी, वन पिको, वन नैनो, वन माइक्रो, माइक्रो फेराड, पिको नैनो फेराड,
पिकोफेरड है ना, तो इसके बारे में आप प्रीफिक्स हैं, ये किसी भी यूनिट के साथ में यूज होते हैं है ना, जैसे फेरड कैपेसिटेंस की यूनिट है उसके साथ में यूज होगा, हर्ट्ज जैसे मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ना, गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, मिली तो आप जानते ही हैं, मिली तो किसी मिलीमीटर मिलीलीटर यहाँ पे यूज होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए 1 टेरा जैसे आपको कहा जाए तो 1 टेरा किसके बराबर होगा, 10 की पावर 12, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 की पावर 12 है ना। गीगा आपका होता है 10 की पावर 9, मेगा आपका होता है 10 की पावर 6 है ना, और यहाँ मेगा से आप इसका जस्ट अपोजिट अगर आप देखना चाहें तो मेगा से माइक्रो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मेगा बोला गया तो मेगा से आप याद कर सकते हैं माइक्रो है ना, यहाँ पे मेगा है तो मेगा से आप माइक्रो यहाँ पे याद कर लें है ना। माइक्रो ये 10 की पावर मेगा होता है 6+ का, और माइक्रो में होता है 10 की पावर -6 ओके। और पिको यहाँ पे देख सकते हो टेरा और पिको टेरा में देख रहे होंगे 10 की पावर 12 है और पिको में 10 की पावर -12 है ना। फर्मी 10 की पावर -15 है, जैसे प्रोटॉन का साइज अगर आपसे पूछा जाए तो ये फर्मी में आपको मिलेगा, यानी कि 10 की पावर 15 मीटर आपसे बोला जाएगा, डेट मीन्स 1 फर्मी है ना, 10 की पावर -15 मीटर या 1 फर्मी आप इसको बोलेंगे ठीक है, या फॉरविडन गैप आपका फर्मी लेवल वहां पे बात करते हैं हम लोग फॉरविडन गैप पे ओके। और नैनो या गीगा, गीगा के साथ में याद कर लीजिए, नैनो जस्ट अपोजिट है, गीगा 10 की पावर 9 है और नैनो 10 की पावर -9 है ना। मिली तो आप सभी जानते हो 10 की पावर -3 है, यहाँ पे मिली है ना 10 की पावर -3 ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, कोई विशेष वो नहीं है। फिर है फैक्टर कन्वर्जन, कुछ मैथमेटिकल है आप पहले से कुछ इसमें से जानते होंगे और कुछ अभी जो है आप जान लीजिए, जैसे आपका लिखा है पाई रेडियन इक्वल टू 180 पहला, अगर हम इसको 1 रेडियन कहेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई होगा, पाई का जब हम वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 रेडियन इक्वल टू 57.30 डिग्री ठीक है, 57 अपॉन 30 है ना। फिर आता है आपका यहाँ पर देख सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 × 10 की पावर -2 है, 10 की पावर है ये -2 रेडियन ओके। ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 10 की पावर -2 यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल टू आप देख रहे होंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 है डायन, 10 की पावर 5 यहाँ पे होगा डायन। 1 एटमोस्फियर इक्वल टू 1.01325, ये थोड़ा पावर में थोड़ा सा वो है, इसको देख लेना 10 की पावर 5 है ये डायन, यहाँ पे देखो 1 एटमोस्फियर इक्वल टू 1.01325 R है। 1 ये टी का मतलब टेस्ला है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, यहाँ पे एक यूनिट और है 1 वेबर पर मीटर की पावर, ये -2 है पावर में है, ये -2
यहाँ पे 10^4 गॉस होगा, ये गॉस बोलते हैं इसको, गॉस, ठीक है, GAUSS गॉस। अब ये देख लो, 1 horsepower इक्वल टू 745.7 होता है ना, 745.7 वाट। यहाँ पे इसको हम लोग न्यूमेरिकल में 746 लेते हैं। वन नेक्स्ट चलते हैं, 1 calorie इक्वल टू 4.186 जूल, या इसी को ले लेते हैं हम लोग 4.2 न्यूमेरिकल्स में, ओके। नेक्स्ट है 1 kilowatt hour इक्वल टू, ये याद रखने वाली यूनिट है आपको, यूज होगी ये, 3.6 मेगा जूल, है ना, मेगा मतलब 10^6। 1 arg, आर्ग किसको बोलते हैं, ये आपकी CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, तो एनर्जी की यूनिट है, तो इसको ये इक्वल होता है 10^-7 जूल, 10^ है ये, 10^-7 जूल पावर लिखना है इसको। और 1 UC² ये सी स्क्वायर है यहाँ पे, 931.50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.50 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये 1 CUC² है, है ना। यू को बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो कि वेट की यूनिट होती है, और ये इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, है ना। और इसमें लास्ट यूनिट लिखी है 1 electron volt इक्वल टू 1.6 × 10^-19 होगा ये, -19 जूल, ओके, -19 जूल। अब देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले जो यूज होगा वो ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, dx/dt इक्वल टू होता है v मतलब वेलोसिटी आपका, x होगा यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के टर्म में कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन के टर्म में लिखा हुआ है, dx/dt इक्वल टू v वेलोसिटी होता है। वैसे ही उसके ऊपर वाला है dv/dt, यानी कि v का मतलब क्या हुआ, v का मतलब हुआ वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल टू a, मतलब a का मतलब है एक्सेलरेशन, ओके। फिर उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ sin 90 - θ, sin 90 - θ इक्वल टू होता cos θ, cos 90 - θ इक्वल टू sin θ, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये जो है 10th में आपने पढ़ा होगा। फिर ये दो फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, इनको समझ सकते हो आप, साइन सबसे पहले ऊपर वाला sin α + β, है ना, तो ये होता है sin α cos β + cos α sin β। इसका मतलब ये हुआ, अगर अंदर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो बाहर भी माइनस आएगा, अंदर जो साइन रहेगा, जैसे sin α + β होगा तो बाहर क्या आएगा, sin α cos β + cos α sin β। वैसे ही cos α - β लिखा है, इसमें अपोजिट होता है, अगर अंदर प्लस है तो बाहर माइनस आएगा, अगर अंदर जो है माइनस है तो बाहर प्लस आएगा। अगर आपका फॉर्मूला है cos α + β, तो आप लिखोगे इसको sin α sin β, ओके। इसमें अपोजिट साइन आता है, साइन वाले में सेम साइन आता है। आप देख सकते हो कॉस वाला, cos 2θ का फॉर्मूला, cos 2θ वाले में 3 फॉर्मूले हैं, ये आपका जो है स्क्वायर होगा यहाँ पे cos²θ, वैसे ये sin²θ,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या दूसरा फॉर्मूला हो सकता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन या टू साइन स्क्वायर थीटा, ये टू नीचे नहीं होगा, स्क्वायर है ये सब, स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये जानते होंगे आप लोग फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आप लोग कुछ टर्म आपको जो है डिफरेंशिएशन के भी आप याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, जो जब जो है हम पढ़ाएंगे आपको मोशन वहाँ पे हम बताएंगे, कुछ सर्टेन है ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे बता देंगे, बस उतना ही आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा ये, अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट या कुछ कमी आपको लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में करके बता दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकें। थैंक यू।